वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। स्वागत है आपका जनसत्ता पर, मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड जीत के पीछे अमित शाह की मेहनत को कोई नहीं नकार सकता। अमित शाह जब फैसले लेते हैं तो फिर वे किसी की नहीं सुनते, लेकिन हर फैसले को सही साबित करके भी दिखाते हैं। हाल ही में चुनाव से पहले टिकटों को लेकर रस्सा कशी हो रही थी, तब अमित शाह ने करीब 120 सीटिंग सांसदों के टिकट काट दिए थे और नए चेहरों को मौका दिया था। इस पर खूब बवाल भी मचा था। विपक्ष ने उन पर बुजुर्गों का सम्मान ना करने का आरोप तक लगा दिया था, लेकिन नतीजों ने सबकी बोलती बंद कर दी। 120 में से 100 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। क्या है अमित शाह के टिकट काटने का स्टाइल, आइए जानते हैं। इस बार के चुनावों में बीजेपी ने उम्र के साथ ही कामकाज के आधार पर सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया था। इनमें से कई पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता भी शामिल थे जिनकी उम्र 75 का आंकड़ा पार कर गई थी। ये लोग पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बावजूद इसके इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया गया। जिन लोगों का टिकट काटा गया उनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा, कलराज मिश्र, पूर्व सीएम उमा भारती जैसे कई धुरंधर नेता शामिल थे। पार्टी ने कुछ सांसदों का टिकट स्वास्थ्य कारणों के कारण तो कुछ का खराब परफॉर्मेंस के चलते काट दिया था। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का टिकट झांसी से स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही काटा गया, तो राजस्थान के राजसमंद से सिटिंग सांसद हरिओम सिंह ठाकुर का टिकट भी बीमारी के चलते काट दिया गया था। वहीं राजस्थान के बाड़मेर से कर्नल सोनाराम का टिकट भी काट दिया गया था। लेकिन इन सभी सीटों पर नए उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए थे, वहां पर भी 20 से 30 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया था। बीजेपी ने ऐसा प्रयोग गुजरात में भी पिछले 2-3 चुनाव में किया है और उसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे थे। ये ही कारण था कि बीजेपी ने इस बार भी नए चेहरों को मौका दिया। पुराने सांसदों के कामकाज से खफा जनता उन्हें वोट नहीं देती है, इसलिए अमित शाह ने नए लोगों को टिकट दिया। वयोवृद्ध नेताओं को आराम देकर और युवाओं को टिकट देकर उन्होंने जनता को ये संदेश दिया कि पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है। तमाम विरोध और भीतरघात के खतरे के बावजूद अमित शाह ने अपने हिसाब से उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इन उम्मीदवारों ने भी अमित शाह को निराश नहीं किया और सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। अमित शाह की रणनीतियां बीजेपी को बुलंदियों पर लेकर गई है और वे खुद भी 5 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीते हैं। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वे मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हैं, और अगर ऐसा होता है तो कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। खैर, इन सब बातों के बारे में हम आपको समय समय से अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।